भैया डोमिनेंस कितना रेट उसका? 1% का जी हाँ, 1 सवारी। और कहाँ तक लेके जाते हैं इधर? पुल के पार करके ऐसे लक्ष्मण झूला का रास्ता पुल उधर। हाँ। सो हाय गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आज मैं अकेले आया हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। आज मेरे साथ कोई कैमरामैन कोई नहीं है। सो आज मैं आया हूँ महादेव घाट, और आप सभी को महादेव घाट जो कि रायपुर सिटी में है, आगे आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ महादेव घाट का। सो व्लॉग के साथ आप सभी बने रहें और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो कर ही सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखने अपने चैनल पे। तो चलिए चलते हैं महादेव घाट की ओर, और आप सभी को महादेव घाट को पूरा दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है महादेव घाट के लिए। यहाँ पे आप सामने जाते हैं, अंदर में आपको मंदिर मिलेंगे। सो आपको चलिए अंदर चलते हैं। सो आप जैसे ही एंटर करते हैं मंदिर में, तो यहाँ आप सभी को संतोषी एवं बुद्धेश्वर माता का दर्शन करने को मिलेगा। अभी साफ सफाई हो रहा है इसलिए अंदर नहीं जा सकता, वापसी आपको यहाँ का बताता हूँ। और सामने में यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल वगैरह मिलते हैं, यहाँ से आप चढ़ावे के लिए, भगवान के चढ़ावे के लिए सामान लेकर जा सकते हैं। और फिर सेकंड में आते हैं राधा कृष्ण मंदिर पे। राधा कृष्ण मंदिर आपको दिखाता हूँ पूरा। तो आप देख सकते हैं आप राधा कृष्ण का मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है और अच्छा लग रहा है। तो आगे आते हैं तो यहाँ पे श्री दुर्गा माता जी का मंदिर मूर्ति है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जय दुर्गा माता। तो ये है लक्ष्मण झूला, जो कि काफ़ी इसी की वजह से यहाँ पे प्रसिद्ध है ये रायपुर सिटी में महादेव घाट। और कहाँ तक लेके जाते हैं? पुल के पार करके ऐसे लक्ष्मण झूला का रास्ता पुल उधर। हाँ। तो आपको यहाँ तक लेकर जाते हैं जो आप एरिया बता रहे हो यहाँ तक, और ऐसे घुमाकर वापस से लक्ष्मण झूला से ऐसे यहाँ पर फिर वापस आते हैं। तो 1% का यहाँ पे 50 रुपये, और बाकी यहाँ पे और डोंगेज वगैरह लगे हुए हैं, तो आकर आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो आपको डोंगे का रेट मैंने बता दिया, और चलते हैं अब आगे लक्ष्मण झूला की ओर। तो यहाँ से अपन एंट्री करते हैं लक्ष्मण झूला की ओर, चलते हैं। सो लक्ष्मण झूला में मैं एंट्री कर चुका हूँ, और आगे चलते हैं और आगे का आपको ब्लॉग दिखाता हूँ कैसा है। बस ज़्यादा भी भीड़ नहीं है, फिर भी काफ़ी भीड़ है, और आज 5 बजे बंद हो जाएगा ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। सो काफ़ी भाई लोग इधर से आ रहे हैं उधर से जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे, 5 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से और दिखाते हैं आपको गार्डन। अंदर की ओर चलते हैं। वीडियो इतने देर तक देख चुके हैं तो गाइज वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना कि वीडियो कैसा है। और आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ से आप गार्डन की ओर इंटर करते हैं अपना। गार्डन एंट्री फीस फ्री है, सो गार्डन का आप अच्छे से इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आते हैं तो
अभी आपने जो देखा गुफा वो कैलाश गुफा है। कैसा है कमेंट में बताना। तो देख सकते हैं गाइस काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे कैफेटेरिया, यहाँ पे कैफेटेरिया है। सो देखते हैं कैफेटेरिया में चाय वगैरह पीते हैं और आगे चलते हैं, क्या मिलता है देखते हैं कैफेटेरिया में। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक जो भी, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। वाओ समोसे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। चाय मिलेगा भैया, दे दो ना चाय। अभी अपन चाय पीते हैं फिर आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह हैं एंजॉयमेंट के लिए बच्चों के, और ये अच्छा सा है गार्डन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइज। सो गाइज अभी सब गार्ड यहाँ से सबको बाहर निकालना है, क्या पाँच बजे तक एंट्री रहता है, उसके बाद एंट्री नहीं होता। और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 6:30 बजने वाले हैं, टाइमिंग का तो पता नहीं, आई होप टाइमिंग 6 बज रहे हैं। इसलिए अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैं एडिटिंग के लिए बैठ, तो अभी मैं एडिटिंग के लिए बैठता हूँ। और आई होप कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगेगा, और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो चलिए जुड़ते हैं, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।